He will be prosecuted for interpolating the records. Sorry sir. You will be prosecuted, I assure you. Sorry sir, sorry sir. How can you do it? क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए। ऐसे ही करते करते आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया। जो एक व्यक्ति ने चार बार पैसा निकाला होगा इसलिए कि बिकॉज करप्ट ऑफिसर्स आर देयर, प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट हैं? नहीं सर, प्रमोट प्रमोट होके बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए। बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली तो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने 1 सब में ऐड कर दिया। अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? क्या आपने जो है ये सब पेजेस बीच में लगा दिया? इट्स अ सीरियस मैटर मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये आपने कार्बन कॉपी में कर दिया, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में तो है नहीं। हाउ एसएचओ कैन डू इट, हु हैज रिटन दिस केस डायरी? के लोकल विधायक से लेकर सबका इन्वॉल्वमेंट, और ये खुद भी मुखिया रह चुके हैं, इनका भी ये मुखिया है तो जन रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसे खुद भी हो गए। मुझे इसमें इंक्वायरी करना होगा, इसका रिकॉर्ड मंगाना होगा। आप उसके मेल जोल में है, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आइटम नंबर वन मैं प्लीज रिपोर्ट सर। यस यस मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर, डिड यू गेट द इंटायर केस डायरी? सर यस, प्लीज शो मी। ये किसने किया ये? ये तो कल नहीं था, ये किसने ये वन लगाया है पैराग्राफ के पहले? कल आपने लगाया? किसने लगाया? नहीं नहीं मैंने नहीं लगाया है सर। किसने लगाया ये सर? 19 करके इस एसएचओ से मिलवाया है सर। दिस 53 हैज बीन मेड 153 नाउ सर। वन मिस कर गया था सर, वो फेंट। हाउ कैन यू डू इट? वो मिस कर गया था या आपने जो है ये सब पेजेस बीच में लगा दिया? प्रॉब्ली जेरॉक्स है सर, मुझे लगा। दीज आर जेरॉक्स कॉपीज सर। ये डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड में नहीं था सर, फट गया था पूरा पेज सर उतना, तो उसके उसका जेरॉक्स लगाया है। इट्स अ सीरियस मैटर मिस्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कल तो ये नहीं था 153 लिखा हुआ, आपने 1 सब में ऐड कर दिया। हाउ कैन दिस अमाउंट्स टू इंटरपोलेटिंग द रिकॉर्ड्स? नहीं सर, एसएचओ ने सर फेंट कर गया था। हाउ एसएचओ कैन डू इट, हु हैज रिटन दिस केस डायरी? You are a police officer, you are a superintendent of police. Don't you understand? अगर हम आज कोई ऑर्डर लिखेंगे तो कल क्या कोई और उसको करेक्ट कर देगा? लगा ये गलती हो गई थी। इतना कैटेगरिकली इसने 53, 54, 55 लिखा है और तो मुझे इसमें इंक्वायरी करना होगा, इसका रिकॉर्ड मंगाना होगा। इसका ओरिजिनल रिकॉर्ड वहाँ लोअर कोर्ट में रहता है, मंगा लीजिए। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब ये केस डायरी कल प्रोड्यूस हो गया कोर्ट में, हमने इसको पेरूज कर लिया, देख लिया, तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं ये? यस मिस्टर खान, माय लॉर्ड, हैज ही कंसल्टेड यू बिफोर डूइंग इट? I only see the mother that mother he asked me to enter. He will be prosecuted for interpolating the records. Sorry sir. You will be prosecuted, I assure you. Sorry sir, sorry sir. How can you do it? क्या हो गया है आप लोगों को? You do not understand the sanctity of the records. Sorry sir. तो कल हमने इसको देखा, आपको हमने बताया सारी बातें।
एंड टुडे इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर स्टैंड यू हैव चेंज द पैराग्राफ नंबर. दिस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स. ये आपने कार्बन कॉपी में कर दिया, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में तो है नहीं. तो नहीं होगा, वो तो वहां कोर्ट में जमा है. तो ओरिजिनल रिकॉर्ड कुछ और दिख रहा है कोर्ट में, और यहां आपने कार्बन कॉपी में ये डाल दिया. अब यहीं पर जब आपसे सवाल करेंगे ना, तो फिर आपको बुरा लगने लगता है कि सॉरी सर, कि साहब कोर्ट में जो है सॉरी सर, इस तरह से बोला गया. आपको कोई ट्रेनिंग भी होती है या वैसे ही बस? हर चीज में मिस्टेक ही बोलते हैं ना. सॉरी सर, गलती हो गई है सर. हर चीज में मिस्टेक होता है. फोटोकॉपी कैसे आएगी उसमें? एक ऑर्नामेंटल वर्ड आपने सीख लिया, सॉरी सर. सॉरी इज नॉट पैनेसिया फॉर ऑल इल्स. सॉरी सर, कभी नहीं होगी ऐसी गलती, नहीं होगी सर दोबारा. इसका रिकॉर्ड्स मंगवाइए पूरे केस का. जी लिखिए. ये तो गलत कर दिया. I had handed over you this copy not for changing the paragraphs. By mistake. तो कॉल कर लिया, रिकॉर्ड कॉल कर लिया. ट्रायल नंबर है सर. ट्रायल नंबर बताइए. ट्रायल नंबर होना चाहिए. चेंज करने का भी होता है. कोई अगर गलती होती है तो उसका तरीका होता है. उससे भी गलती होती है. पूछ के करना था सर. गलती होती है तो ऐसा नहीं कि कोर्ट में कुछ बोले और पीठ पीछे कुछ ऑर्डर में लिख दिया. उसके लिए हम कोर्ट में केस को लाते हैं, फिर से लॉयर्स के सामने डिस्कस करते हैं कि साहब ये गलती हुई है, इसको सुधार करने की जरूरत है. सर ये गलती हो गई है सर, सॉरी सर. आपने तो रिकॉर्ड्स को, जुडिशियल रिकॉर्ड्स कुछ और है और आपने यहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर दिया. कॉल कर लीजिए जरा उसका. ट्रायल नंबर नहीं है, नहीं दिख रहा उसमें भी, नहीं दिख रहा. पीएस केस से कॉल कर लिया जाए, वहाँ रिकॉर्ड उसमें मिल जाएगा. सीजीएम के यहाँ पेंडिंग. फाइनल फॉर्म एक्सेप्ट हो गया इसमें हजूर? कब एक्सेप्ट हुआ है वो मुझे भी नहीं मालूम. कुछ और चीज़ें मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा हजूर, विथ योर परमिशन. यस. ये इनका जो सेकेंड काउंटर एफिडेविट सप्ले या सप्लीमेंट्री एफिडेविट मान के चलें, वो 25 पेज नंबर 25 का अंडर देखा जाए उसमें लास्ट पैराग्राफ में है. पेज नंबर 25 पे लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ. उल्लेखनीय है केस कांड के अभियुक्त अजीत कुमार सिंह और पुप्पू सिंह एवं अशोक सिंह द्वारा दिनांक 18/11/22 को बसंतपुर लकड़ी नबीबगंज ओपी थाना कांड 61/2020 में माननीय न्यायालय सिवान में आत्मसमर्पण किए हैं. तत्पश्चात उन दोनों अभियुक्तों को बसंतपुर नकड़ीपंच ओपी थाना कांड संख्या 336/20 पे 9/8/2020 में रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में सिवान में अनुरोध पत्र दाखिल किया गया, लेकिन इन्होंने 61/20/20 जो हमारा केस है उसमें रिमांड नहीं मांगा. 61/20 में सर सरेंडर ही किया है सर वो. ठीक है, 61/20 में उसने सरेंडर किया सर. आप ये बताइए, आपके कंडक्ट को क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नेम्ड अक्यूज था वो सर? बमबारी किया था या गोली चलाया था? गोली चलाया था उसने इनके हाउस पर. अच्छा, इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि साहब सो एंड सो हैड बीन देयर, वो लोग ऐसा कर रहे थे. आप उनको अरेस्ट नहीं कर पाए. जब ये कोर्ट आए और कोर्ट ने यहाँ से आपको कॉल अपॉन किया, तो एक दो डेट देखने के बाद जब दबिश बढ़ी कोर्ट के द्वारा, तो अब इनका तो कहना है कि आपके कोलेबरेशन से उन्होंने सरेंडर किया. लेकिन अगर सरेंडर अपनी मर्जी से भी उन्होंने किया, तो आपका नेचुरल कंडक्ट क्या होता था साहब? नेचुरल कंडक्ट क्या होना चाहिए था आपका? जब वो सरेंडर किए तो आप उनको पूछताछ नहीं करेंगे सर? करेंगे ना. तो आपने क्यों नहीं उनको लिया रिमांड पर? क्यों नहीं आपने एक दिन के लिए भी कस्टडी मांगा उनका? ये आपका नेचुरल कंडक्ट नहीं है. एंड दैट गोज टू स्ट्रेंथन हिज सबमिशन कि आप
एक्यूज्ड को कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, आप उसके मेलजोल में हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड कोर्ट कैन सी दैट। सर रिमांड पर ले लेते हैं सर। अब सब तो आपको क्या, हम यहाँ आपको समझाने के लिए बैठे हुए हैं कि आपको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, क्या करना चाहिए। आप इनकॉम्पिटेंट है ना फिर सर, इट मीन्स यू आर टोटली इनकॉम्पिटेंट टू हैंडल द केस और टू कंट्रोल योर सबऑर्डिनेट्स, टू ट्रेन योर सबऑर्डिनेट्स, हर मामले में आप इसका मतलब इनकॉम्पिटेंट हो गए। सर नेम डेक्यूज था इसीलिए रिमांड पर नहीं लिया। क्यों नेम डेक्यूज को रिमांड पर नहीं लेते हैं? क्या क्या बोलिएगा आप, क्या क्या बोलिएगा एसपी साहब? अरे कुछ तो अपनी वर्दी का लाज रखिए, प्रमोट होकर के बने कि डायरेक्ट है? नहीं सर प्रमोट, प्रमोट होकर बने। तो ऐसे ही करते करते एसपी तक आप पहुंच गए, ऐसे ही करते करते आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते करते आप एसपी रैंक तक पहुंच गए। आपने वो पद हासिल कर लिया जिससे जिले का कप्तान कहला गया, और आप, आपकी हालत यह है कि हर बात पर आप सॉरी कहते हैं, हर बात पर कहते हैं कर लेते हैं। नेम्ड अक्यूज्ड है इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है, उससे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। किस गाड़ी से था जिन्होंने कल क्या बोला कि आज तक आपने व्हीकल नहीं सीज किया, आज तक आपने वो आर्म्स नहीं सीज किया? मीन आई हैव टू रिकॉर्ड वेरी स्ट्रिक्टली समथिंग विच यू मे नॉट लाइक। हजूर एक और इनका मैं दिखाता हूँ, पेज 14 पे पैराग्राफ डी में जो इन्होंने दिया है जिसमें फाइनल फॉर्म सबमिट किया है, ये बाढ़ राशि का डिफाल्केशन। हाँ वो मुझे याद है, जो सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया था मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताते हैं, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बता करके क्लोज कर दिया। इसमें जितने आईओज हैं जो कंसर्न एसएचओ हैं, डीएसपी हैं, अप टू एसपी, सबका कंडक्ट क्वेश्चनेबल है, ऑब्जेक्शनेबल है, और इसका सबका जो है ये एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इनके कंडक्ट का भी होना चाहिए वो ईओयू से, क्योंकि और एक और इन्होंने किया है कि एक और केस था जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे। सुन लेते हैं आप, एक जब ये काउंटर फाइल कर रहे थे जल्दीबाजी में, आपने देखा है कभी हमको? नहीं देखा है ना, तो वेट कीजिए ना। यस जब इन्होंने अपना काउंटर फाइल किया है हुजूर, तो इन्होंने 5 केसेस को दिया, और एक और इम्पोर्टेंट केस था जो इन्होंने डिलिबरेटली उसमें उसको सप्रेस कर दिया, कि काउंटर में इन्होंने नहीं फाइल किया, वो भी मैंने कल हाईलाइट किया था। yes. ये एफआईआर नंबर है 16422 डेटेड 20/4/22 पीएस बसंतपुर। जब ये लोग एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहे थे तो द कंसर्न कंप्लेनेंट वेंट टू द सिविल कोर्ट, ऑब्टेन एन ऑर्डर अंडर 157563 इन कंप्लेंट केस नंबर 11962021 एंड देन आउट ऑफ दैट दिस एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। तो जब इनको काउंटर फाइल कर रहे थे उस दिन तक इनके पास ये सारे रिकॉर्ड्स थे, उन्होंने इसको क्यों नहीं लिखा ये भी इनको बताना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने क्यों नहीं लिखा। He was supposed to, it will show that he is deliberately suppressing the facts before this honorable court. And this is happening everywhere in the Bihar. This is a clear political, police and criminal nexus. How do you say it is political? Political है हुजूर ये, क्योंकि इसमें एक मिनट इनको बोलने दिए ना, आप पूछिए मैं। इसमें वहाँ के लोकल विधायक से लेकर सबका इन्वॉल्वमेंट, और ये खुद भी मुखिया रह चुके हैं, इनका भी ये मुखिया है, तो जन रिप्रेजेंटेटिव तो ऐसे खुद भी हो गए, तो पॉलिटिकल तो ये खुद भी हो गए, इनकी मदर ही मुखिया रह चुकी हैं, इन लोगों का पूरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। इनका एक्यूज्ड का, एक्यूज्ड का जो सरेंडर किए हैं उनका? जी
यस बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन माय लॉर्ड, ही इज रेज्ड माय लॉर्ड के एफआईआर फाइल बाय द सीओ माय लॉर्ड, ही डिड नॉट माय लॉर्ड वन दिस फैक्ट माय लॉर्ड सबमिटेड द चार्ज शीट। देयर आर 20-25 पर्संस माय लॉर्ड हैड टेकन द माय लॉर्ड एक्सेस मनी 4000 समबडी 6000 समबडी 5000। व्हेन द एफआईआर वाज लॉज्ड माय लॉर्ड ऑल द पर्सन रिटर्न द मनी माय लॉर्ड। पुलिस एग्जामिन देयर आर 13-14 पर्संस माय लॉर्ड हैड टेकन द माय लॉर्ड हु आर नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लड बट ही गॉट द माय लॉर्ड सेम थिंग माय लॉर्ड। Then, my lord, all the persons have returned the money, my lord. After that, my lord, they have filed the submitted charge sheet, my lord. So, it was a case of mistake of fact then? But, my lord, that is the my lord. How it was a case of mistake of fact? There are 20... Those who were... Mr. Khan... My lord. I will record your statement, otherwise also it is getting recorded in the court proceeding. You said that those 16-17 persons who were not affected... They had received the money, my lord, but then they returned it. My lord, returned. Therefore, this case was based on a mistake of fact, meaning thereby that today somebody takes an attempt to get public money unlawfully. The moment a case is lost and he can sense that a case is going to be lost, he returns the money, then it is not the case. If this is your understanding of law, then in all cases of misappropriation, where public officers are swindling and siphoning the public money, they will immediately come with an argument that, all right, I have returned the money. They are not public officers taken, my lord. Private persons has taken, my lord, that money, my lord. So? All of them have... How they may be differentiated? If any person has duped the government, has taken benefit of the government money, and which is happening every day, my lord. Which is happening every day, my lord. Under the government schemes, you go and find out, my lord, that how all these rahats, all these money are going in the account of the people who are not really entitled for that. There is no check on that. Muskil se agar 100 aisa hoga, to ek do mukadma hota hai. Aapke paas hai kya list ki kitne log the jisne कितनी बार पैसा निकाला शौचालय बनाने के नाम पर, मालूम है आपको? नहीं मालूम है ना? गो एंड टॉक टू द पीपल। जो एक व्यक्ति ने चार बार पैसा निकाला होगा इसलिए कि बिकॉज करप्ट ऑफिसर्स आर देयर, दे टेक देयर कट्स और वो कमीशन लेकर के और पैसा बांटते हैं, मालूम है आपको? नहीं मालूम है क्या? आप इस समाज में नहीं रहते हैं? तो आपके ऑफिसर ने जब एक केस हुआ, सर्किल ऑफिसर ने केस फाइल किया, तो आपने उसको क्लोज कर दिया बोल करके कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। हाउ इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट? यस मिस्टर एसपी। सर, सर्किल ऑफिसर ने रिपोर्ट दिया था कि सबने जमा कर दिया, उसी आधार पे मेरे पहले का अनुसंधान है सर। तो सर्किल ऑफिसर ने आपको रिपोर्ट दिया, ठीक है कि जमा किया, तो आपके ऑफिसर क्या कहेंगे उसको कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का केस है ये? इट्स अ केस ऑफ एम्बेजलमेंट, मे बी अ केस ऑफ टेम्पररी एम्बेजलमेंट, बट इट इज अ केस ऑफ टेम्पररी एम्बेजलमेंट एटलीस्ट। इसीलिए तो लोग इतना खुल करके कर रहे हैं सब गलत सलत, उनको मालूम है कि क्या होगा, जिस दिन फंसना होगा उस दिन पुलिस वाले हैं ना, कुछ मिला जुला करके काम चल जाएगा। आई मीन आई एम कॉन्स्टेंट टू से ऑल दिस थिंग्स। जिस तरह का केसेज आ रहा है उसमें सिवाय इसके और कुछ समझ में नहीं आती बात कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
सारे केसेस रीओपन करने होंगे आपको, सारे केसेस रीओपन करने होंगे। ये पब्लिक मनी है, इसका अगर घोटाला हो रहा है, इसमें हो सकता है ये सर्किल ऑफिसर ने जो केस फाइल किया उसके पहले वाले जो सर्किल ऑफिसर होंगे वो भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं से ये पैसा जमा करा करके और ये कोशिश किया गया कि साहब चलिए इस केस को क्लोज करा दीजिए। आज हम ऑर्डर लिखा रहे हैं, अभी इसको हम फिर इस मैटर को रखेंगे इन द नेक्स्ट वीक। आप जरा सारे केसेस का जितने चीजें डिस्कस हुई सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए, सो दैट आई कैन टेक ए कंप्लीट व्यू ऑफ द मैटर। समझ रहे हैं ना, जितने केसेस हैं सबका रिकॉर्ड्स लेकर के आइए। मिस्टर खान, आई विल कीप इट इन द नेक्स्ट वीक माय लॉर्ड, बट आई विल ब्रीफली रिकॉर्ड व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इन कोर्स ऑफ हियरिंग। टू वीक्स एट लीस्ट माय लॉर्ड मे बी ग्रांटेड। एसपी माय लॉर्ड इनको आना है, खुद भी माय लॉर्ड, तो मे बी नेक्स्ट वीक ओनली, नेक्स्ट वीक ओनली माय लॉर्ड। एंड देखिए माय लॉर्ड जितना डिस्कशन हो गया उसके बाद बहुत ज्यादा इनको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ रिकॉर्ड्स माय लॉर्ड लेकर के और देखना है और कोर्ट को माय लॉर्ड असिस्ट करना है। माय लॉर्ड अनदर केस माय लॉर्ड अभी रुकिए, अभी हम ऑर्डर लिखाते हैं तो समझते हैं ना, बताना चाहिए। ऑर्डर लिखाते समय हम कंजूसी नहीं करते, ठीक है, इसलिए कि मैं वो कहीं भी पढ़ने के बाद ऐसा नहीं मालूम हो कि साहब कुछ, और आपको भी ये नहीं बोलने का मौका मिले कॉफी टेबल पर कि देखिए ना ये केस पे इस पॉइंट को बस किए थे, हम लोग कोर्ट के बाहर याद नहीं, जज साहब जो है छोड़ दिए, इस पॉइंट को नहीं डील कर सकते थे कोर्ट के बाद, हम लोग सब याद नहीं रखते। आप क्या रखते हैं नहीं रखते हैं, आपका मतलब आपसे नहीं नहीं, हम लोग कैसे वकील को, वकील चर्चा करते हैं ना जजमेंट पढ़ने के बाद, हाँ चर्चा होता है, करते हैं कि नहीं, कि देखिए ये पॉइंट बस किए थे लेकिन छोड़ दिए जज साहब, इसका आंसर नहीं मिला तो छोड़ दिए इस पॉइंट को। I always keep that in my mind. इसलिए I never leave any ground which you have argued or he has. बोलिए क्या केस नंबर बताना हुजूर, ये जो फाइनल फॉर्म है पीसी एक्ट वाले केस में, इसका FIR नंबर है 213-21. That is mentioned in this. यहाँ डिक्टेशन में दूसरा चला है। वो आया है दूसरा केस जो आपने बोला ना 164 को मेंशन नहीं किया। 164 उसमें ये करेक्शन कर दीजिएगा, थोड़ा देख लेंगे उसको ड्राफ्ट ऑर्डर में। ये जो केस है ना जिसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, दैट इज 231 बसंतपुर लकड़ी नवीगंज ओपी, पीएस केस नंबर 213 ऑफ 2021 अंडर सेक्शन 406 408 409 420 ऑफ 34 आईपीसी एंड 164 2022 हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द सीजीएम सिवान under section 156(3), which has not been mentioned in the counter affidavit. ये कौन-कौन से section में है? इसमें 120B है, 420 है, 467 है, 468 है, 471 IPC. ये किस चीज का था? एक हाँ है इसका भी है मेरे पास। क्या है सुजेस? ये है। Tell me the crux of the case. खुलासा नालिस है कि मैं भगीरथ पड़ित, उम्र 45 वर्ष, पिता स्वर्गीय विश्वनाथ पंडित, ग्राम पोस्ट पड़ोली थाना बसंतपुर जिला सिवान का निवासी हूं। मैं पंचायत राज पड़ोली के वार्ड संख्या 4 के वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूं, परंतु स्थानीय मुखिया अजीत कुमार सिंह, उम्र 38 वर्ष लगभग, पिता स्वर्गीय राजबली सिंह साकिन पड़ोली जो कुख्यात अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करके अभी तक मेरे वार्ड क्षेत्र से जल नल योजना का कार्य संबंध में मुझे कोई किसी तरह की जानकारी दिए बिना स्वयं अपने स्तर से काम करवाए हैं, जिसमें भारी पैमाने पर गड़बड़ी पर सरकारी पैसे का गबन कर लिया गया है।
विदित है कि वार्ड क्षेत्र में जल नल योजना के तहत जल नल योजना का काम वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कराने का प्रावधान है, परंतु मुखिया श्री सिंह ने सरकारी नियम को चुनौती देते हुए वार्ड सदस्य को प्राप्त अधिकारों का हनन कर मुझे लगातार मानसिक व सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। वर्ष 2020 में आई बाढ़ के दौरान मेरे वार्ड क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित को सहायता राशि दिए जाने के लिए सूची अनुमोदित किया जाना था। इसके लिए अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मुखिया थे। मैंने अपने वार्ड क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित 46 परिवारों के प्रधानों के नाम की सूची बनाकर दिया था, परंतु मुखिया श्री सिंह ने मेरे द्वारा दिए गए सूची को हटाकर फर्जी सूची बनाया, जिसमें कई अज्ञात घर के बाहर के लोगों का मेरे वार्ड क्षेत्र का निवासी बताकर 200 व्यक्तियों की सूची बनाकर अनुमोदित किया गया। एक षड्यंत्र पूर्वक पूर्व मुखिया ने सरकारी पैसे का गबन कर लिया। उक्त सूची पर मुखिया ने मेरा जाली हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर की जांच उचित माध्यम से कराई जा सकती है। मुखिया द्वारा मेरा जाली हस्ताक्षर कर फर्जी सूची बनाए जाने की सूचना 20/9/2020 को मैंने अंचल अधिकारी को दिया है। अतः श्रीमान से अनुरोधन है कि जालसाज मुखिया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। उल्लेखनीय है कि इस केस में क्या हुआ 164 में ये रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये सेम केस है जिस तरह का इन्होंने फाइनल फॉर्म पंप किया है, ये दूसरा केस है। उसमें 164 में लिख दीजिएगा बसंतपुर पीएस केस नंबर 164 ऑफ 2022 हैज बीन रजिस्टर्ड एट द इंस्टेंस ऑफ ए वार्ड मेंबर हुजूर वार्ड मेंबर ऑफ द लोकल एरिया who has made serious allegations against the accused. ये भागीरथ पंडित हैं. Who is local मुखिया, saying that he has got distributed the money meant for the flood victims to at least 200 those persons who were not eligible for the same. In the process, the accused has forged the signature of the ward member and replaced the list of the victims provided by him. इसमें रिमांड पर लिया उनको? नहीं सर अभी नहीं। The SP Sivan has informed this court that even though the accused has surrendered in connection with another case, comma, the investigating officer has not sought his remand in this case, comma, the court points that learned counsel for the petitioner has prima facie satisfied this court that there is a strong political and police nexus. Involved in this case, and that has resulted in complete injustice to the victims of the crime. Do what? Submission, my two. Three. Yes. First, my lord, there is my lord gave the direction to the my lord SP my lord Sivan my lord. Only four cases. That due to my lord, he has not mentioned my lord. Last case, 194-22, and due to that, and second thing, he has given. He should have mentioned all the cases. But my lord, I have not given any direction to mention four cases only. I only recorded about those cases in which the petitioner, the accused was said to be involved. If he was in position of information as regards other cases, he should have brought it to the notice of the court. Your superintendent of police is acting very casually, and this court has recorded its prima facie view in writing. I have given that the court is convinced that it is a case in which there is a nexus between the local political people and police. क्या बात आप करते हैं। सेकंड थिंग माय लॉर्ड,
आई एम सीरियस अबाउट इट, आप इसको कैजुअली बोल रहे हैं। माय लॉर्ड, आइटम नंबर 2, एसपी सिवान शैल बी प्रेजेंट ऑन दैट। माय लॉर्ड, सेकंड थिंग माय लॉर्ड, आई एम सबमिशन दैट माय लॉर्ड हैज गिवन, माय लॉर्ड ही हैज फाइल्ड ए पिटीशन बिफोर द लर्नेड कोर्ट बिलो माय लॉर्ड फॉर टेकिंग द रिमांड ऑन 336 माय लॉर्ड ऑफ 2020 माय लॉर्ड। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट दैट, आई हैव ओनली रिकॉर्डेड दैट इन 164 ही हैज नॉट सॉट रिमांड, इन 61 ही हैज नॉट सॉट रिमांड। And 164 तो मतलब prior to him मतलब he has I don't know one, देखिए him का मतलब मैं इनको कोई personally तो कुछ अभी कर नहीं रहा हूँ, उस personally बोला क्या हमने? Superintendent of police has informed। sorry. आप लोग इतना attached क्यों हो जाते हैं? Attached I am not attached but मतलब I have to, this court has not said anything about him personally. I am not going to record a finding that he has done it. Yes, one thing he has done. Case diary mein jo paragraph change kiya hai. About that, I have not taken any view till now. I have recorded. ठीक है, जिसने जो कर्म किया होगा वो ये तो good faith देखेगा वो. ये paging my good faith. छोड़िए ना उसको, बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर अभी देखिए. My lord, no. Message you कर दी. ठीक है, come on 8th. 8th, my lord.